हार को लेकर बीजेपी लगातार समीक्षा कर रही है। कल उत्तर प्रदेश की बारी थी और उत्तराखंड में भी बैठक हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। अपने मंचासी अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कपिल सिंधानी और प्रदेश के प्रभारी सचिव राय सिंह जो आपस में आदरणीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। वही उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन हुआ। कल कई बड़े बयान हार को लेकर सामने आए और यूपी के सीएम योगी ने माना कि पार्टी को अति आत्मविश्वास का खामियाजा उठाना पड़ा। बैठक में हार की समीक्षा के साथ साथ आगे की रणनीति, आगे की तैयारी पर विस्तार से वार्ता हुई। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। जेपी नड्डा ने भी कहा कि चिंतन की जरूरत है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम जमीनी हालात को नहीं समझ पाए, सरकार और संगठन के बीच खींचतान के संकेत भी मिले। केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि पार्टी सरकार से बड़ी है। और इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने आगे की रणनीति पर बातचीत की है, कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। बीजेपी के आला नेताओं ने शिकस्त से सीख की सलाह दी है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने पर अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी की बैठक के बाद सरकार में शामिल दूसरी पार्टियों की तरफ से भी नतीजों पर आवाज उठने लगी है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुलडोजर चलवाने, घर गिरवाने के बाद वोट कैसे मिलेगा। वहीं संजय निषाद ने दावा किया कि उनकी पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर जीत मिली, इसलिए उन्हें उपचुनाव में 2 सीटें मिलनी चाहिए। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने संजय निषाद से बातचीत की है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, मैं सहयोगी दल हूँ, सहयोगी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हम सहयोग करें, किसे सहयोग लें, तो इसलिए मिलने आए थे। औपचारिक मुलाकात थी और आगे दिशा निर्देश, उपचुनाव है, उपचुनाव संबंधित बातचीत करना था और कार्यकर्ताओं के से संदेश था, उसके माध्यम से उनके माध्यम से पहुँचा। सीटें जो हैं 10, उसमें से कुछ आपको मिल रही हैं? हमारे दो हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिया, एक मैं जीता था, वो सांसद हो गए, इस बार का क्या? एक जो है, एक मैं बहुत कम वोटों से हारा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से 11 सीटें ऐसी ली थी जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी, उसमें से 9 से जीत कर दिखाया हूँ। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी
के साथ हम लोग मिलते हैं, उनका परंपरा रहा है और पहले से सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं और जो जहाँ जिसका रहता है वहाँ मिलकर दोनों लोग लड़ते हैं। आप कितनी सीटें चाहते हैं इसमें? हमारे जितने से दो हैं दो हमें चाहते हैं, दो चाहिए तो मतलब वो है ही है, उसमें कोई चाहिए क्या, दे रखा है तो उसमें चाहने का क्या मतलब। अच्छा, केशव मौर्य ने बड़ा सख्त आवाज उठाई और कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो है ही, संगठन से शक्ति होती है, सत्ता संगठन के शक्ति से बनती है, जनता के समर्थन से बनती है, जनता का समर्थन कार्यकर्ता तय करता है, इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान हमेशा। वही उत्तर प्रदेश के मंत्री सुब्रत पाठक भी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के समय भर्ती हुए पुलिसकर्मी और अधिकारी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रत जी बहुत स्वागत है आपका। सुब्रत जी, कल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है बीजेपी की, आप भी थे, मुख्यमंत्री नड्डा, केशव मौर्य, तमाम संबोधन हुए। केशव मौर्य ने वहां पर एक पंक्ति ऐसी बोली जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है कि संगठन हर हालत में सरकार से ऊपर है। सुब्रत पाठक भी एक नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, कैसे देखते हैं? नहीं तो इसमें गलत क्या है, सरकार कौन बनाता है? सरकार संगठन बनाता है। संगठन जब मजबूत होता है तो जनता उस पर भरोसा करती है और स्वाभाविक है कि जब भरोसा करती है तो सरकार बनती है। तो कुल मिलाकर संगठन के माध्यम से ही हमारे नेता बनते हैं। संगठन किसी जिस व्यक्ति को नेता बनाता है तो वो व्यक्ति नेतृत्व करता है। तो कुल मिलाकर इसमें कोई कहने में मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात उन्होंने गलत नहीं कही जो जिसके ऊपर कोई चर्चा हो। कई बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मोती सिंह पूर्व मंत्री भी रहे, अभी जौनपुर के विधायक हैं, अभी हाल आज संजय निषाद ने आज तक से बातचीत की, कैबिनेट मंत्री हैं, वो सब एक लाइन में कह रहे हैं कि प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही जहां प्रशासन और पुलिस कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता की जमीन पर नहीं चल रही? नहीं देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर आप चर्चा करो, हाँ ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ अधिकारियों के अंदर कोई घमंड हो किसी प्रकार का, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि मैंने इसकी पहले भी चर्चा किया है कि समाजवादी पार्टी के शासन में चाहे 2003 से उनकी जो सरकार रही, फिर 2012 से जो उनकी सरकार रही, तो उनके शासनकाल में जिस प्रकार से नियमों के विरुद्ध और नियमों को तोड़ते हुए लोगों को उपकृत करने के लिए जिस प्रकार से भर्तियों में खासकर निचले स्तर की और ऊपर वाली भर्तियां भी प्रभावित की गई कहीं ना कहीं, तो कुल मिलाकर एक बड़े तादाद में अपने लोगों को भर दिया। आज पुलिस में भी वो लोग हैं, आज वो नीचे राजस्व में भी वो लोग हैं, वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो और उसका उत्पीड़न करते हैं।